हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये पौधा हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये है रुद्र जटा। जी हाँ, इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसे रुद्र जटा के नाम से जानते हैं। आज मैं आप लोगों को इसका फ़ायदा बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनने वाली है और यह जानकारी आपको हमेशा काम आने वाली है। ये पौधा आंगनों में हमारे घरों के जो सजावट के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे घरों के आसपास में इसी प्रकार से बहुत सारा पेड़ पौधा पाए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ पाए जाती हैं, जिनकी मदद से हम खतरनाक से खतरनाक बीमारी को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। लेकिन इन पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की जानकारी ना होने की वजह से हम फायदा नहीं ले पाते। हमारे चैनल का मकसद है आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी बताएं। हम आयुर्वेद की जानकारी आप सभी को फ्री में सिखाते हैं, प्राकृतिक उपचार सिखाते हैं। कई वीडियो में मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ और कई वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे इस वीडियो है ना, मेरे चैनल में मेरे जो वीडियो बनाता हूँ आयुर्वेद की जानकारी बताता हूँ, उसमें व्यू जाए या ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे बताए गए तरीके से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, मेरे हेल्थ गुरु जी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, फैमिली लोग हैं, अगर किसी एक भी बंदे को स्वस्थ लाभ पहुंचाते हैं, सारी परेशानी को उनके दूर करते हैं, उनके कोई भी परेशानी उसे ठीक करते हैं, तो मैं दोस्तों समझता हूं कि मेरे YouTube में आना सार्थक हुआ। और मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूं कि करोड़ों रुपए के आप दवा खाने के बाद भी जो आपकी समस्या ठीक नहीं होती, मेरे द्वारा बताया गया प्राकृतिक उपचार से ठीक होता है, तो मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूं। तो ये रुद्र जटा है, इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक में फायदे हैं और समस्त भारतवर्ष में सिंगारिक पौधे के रूप में घरों के बाहर और बगीचों में लगाई जाती हैं। इसके पुष्प बहुत ही सुंदर होते हैं, इस प्रकार से वीडियो में देख लीजिए, आकर्षक होते हैं, जो कि देखने में मुर्गे की कलकी जैसा दिखाई देते हैं। इसलिए कई जगह मुर्ग केस या लाल मुर्गा के नाम से भी जानते हैं इस पौधे को। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें जरूर बताना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके 5 से 6 ही फायदा बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं नकशीर बंद करने के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। अगर नाक से खून निकलता है तो 1 से 3 से 4 बूंद इसके पत्ते के रस में समभाग जल मिला करके नाक में डालने से नकशीर बंद हो जाती है। खांसी में अगर 500 मिलीग्राम ये रुद्र जटा की बीज के चूर्ण में शहद मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर के पीने से भी श्वास संबंधी लाभ मिलते हैं। श्वास संबंधी बीमारी में सांस का जैसे ऊपर नीचे होना फूलना, उसमें काफी लाभ मिलते हैं। अगर आपके हृदय में दर्द होता है, हृदय कोई भी विकार हृदय संबंधी, तो रुद्र जटा के पंचांग में अर्जुन का छाल मिला करके इसका काढ़ा बनाकर के पीने से हृदय में होने वाले दर्द दूर हो जाते हैं। रक्त अतिसार में इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, इस प्रकार के छोटे छोटे जानकारी हमेशा काम आती है, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। जानकारी जरूर वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आने वाले हैं। तो अतिसार में कभी कभी ना कुछ ऐसे जगहों में फंस जाते हैं जहाँ पे अगर पेट आपके अचानक से बिगड़ जाए, बार बार अगर आपको पेचिस हो रहे हैं, तो अगर गलती से आपको कहीं भी गलती से मतलब आपको गलती से अगर आपके पेट में दर्द हो रहे हैं, बार बार पेचिस हो रहे हैं, तो अगर नसीब से समझ लीजिए या गलती से अगर ये पौधा मिल जाए, तो इसके पुष्पों का मतलब इसके फूलों का क्वाद बना करके, काढ़ा बना करके, या इसके पुष्पों का रस निकाल करके 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से अतिसार में लाभ मिलते हैं, पेचिस बंद हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, पथरी में 500 मिलीग्राम इसके जड़ का चूर्ण को चावल के धोवन के साथ पीने से कुछ दिनों में पथरी गल करके निकल जाता है, लेकिन इस अवधि में आपको समान मात्रा में दूध का भी सेवन करना है। ये काम शक्ति का भी काम करता है, काम शक्ति बढ़ाता है हमारे शरीर में। इसके 1 ग्राम चूर्ण में 5 ग्राम मिश्री मिलाकर के दूध के साथ सेवन करने से काम शक्ति बढ़ते हैं। 2 से 3 मिलीलीटर इसके पत्ते के रस में मिश्री और पानी मिलाकर के शरबत बना करके पीने से रक्त प्रदर में यानी कि योनि से जो खून निकलती है वो बंद हो जाती हैं, या अति रक्त स्त्राव होता है जैसे बवासीर की बीमारी में, उसमें भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। धन्यवाद।